रंजन सिंह, इनका एक सवाल है। आपने भी सनातन धर्म पे बात की है या सनातन धर्म, ये विषय आजकल काफी चल पड़ा है, ये नाम कई बार यानी इस्तेमाल हो रहा है, ये शब्द काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो जो ये सनातन धर्म है, क्या इसमें रहकर कोई नास्तिक या विज्ञानवादी तर्कवादी हो सकता है? रंजन सिंह जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। कल मैं YouTube देख रहा था, वो प्रमोद कृष्णन जी कुछ कह रहे थे, कांग्रेस के एक जमाने में लीडर रह चुके हैं। वो कह रहे थे कि जैसा क्रिश्चियन अगर है और वो यीशु ख्रिस्त को मानता है तो ही वो क्रिश्चियन है, जो मोहम्मद पैगंबर को मानता है वही मुसलमान है, जो राम को मानता है वही हिंदू है। क्योंकि जो लोग मंदिर मंदिर जा रहे थे उसके आधार पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था और वो कह रहे थे मंदिर में जाना यानी हिंदू होना नहीं होता है। अब प्रमोद कृष्णन जी एक कल्ट के बड़े बाबा है, कांग्रेस के लीडर होने के बावजूद, तो उनका ये जो कथन है कि जो हिंदू है उसने राम को मानना ही चाहिए, तो राम को जो मानते हैं वो हिंदू है क्या? अभी अभी दो बड़े कलाकारों ने, जिसमें सलीम थे और दूसरे जावेद अख्तर थे, उन्होंने महाभारत और रामायण की बहुत तारीफ की, और इतना ही नहीं तो उन्होंने रामायण के बारे में कहा कि रामायण राम हर हिंदुस्तानी के जीवन का हिस्सा है, उनके मन में बसा हुआ है। तो जावेद अख्तर भी हिंदू हो गए क्या कि हिंदुस्तानी हुए? सलीम खान भी हिंदू हुए क्या क्योंकि उनके घर में तो गणपति बैठता है? सलमान की माँ तो हिंदू है, सलमान खुद गणपति बिठाता है घर में, तो वो भी हिंदू हो गए क्या? हिंदू धर्म नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, ये केवल मैं नहीं कहता हूं, आरएसएस कहती है। मेरे खुद के संपादक मागो वैद्य, जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, वे हमेशा कहते थे कि हिंदू ये कल्चर है, ये हिंदू धर्म नाम की, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, ऐसा कोई धर्म नाम की चीज नहीं है। धर्म क्या होता है? धर्म इस विषय का अध्ययन होता है फिलोसॉफी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में। उसकी एक डेफिनेट व्याख्या की गई है। धर्म का एक धर्म संस्थापक होता है, उसका एक गॉस्पेल यानी धर्म ग्रंथ होता है, जिस धर्म ग्रंथ में तत्वज्ञान होता है धर्म का, और उसके साथ में कानून व्यवस्था होती है, यानी इंसान ने इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, राजा और नागरिकों का रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस ढंग के कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जो कुरान में हदीस है, यानी मुस्लिमों में हदीस है, और शायद भारत में उसको मनुस्मृति कहा जाता है। और ये तीनों चीजें, यानी जो धर्म संस्थापक है उसका धर्म ग्रंथ है, जिसे हम कहते हैं धर्म ग्रंथ, और उसमें जो दो चीजें हैं तत्वज्ञान और कानून की व्यवस्था, इन तीनों चीजों का प्रसार प्रसार करना और कानून की व्यवस्था जो कही गई है उसका अमल करना, ये काम होता है पुरोहितशाही की तरफ, ये चौथी व्यवस्था उसमें होती है। तो ये चार व्यवस्था जहां रहेगी उसको धर्म कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है। उस तरीके से अगर हम विचार करें तो हिंदू धर्म ये धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का कोई भी धर्म संस्थापक नहीं है, नंबर एक। हिंदू धर्म का कोई भी एक धर्म ग्रंथ नहीं है, रामायण महाभारत ये महाकाव्य है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, बाइबल ये धर्म ग्रंथ है, कुरान ये धर्म ग्रंथ है। वैसे कोई भी एक धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म को नहीं है। तीसरी, यहां पर कानून व्यवस्था कौन सी? तो इतना हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर शायद इस देश में ज्यादातर कानून व्यवस्था रही है, लेकिन उसका कड़ाई से अमल हुआ क्या, इसके बारे में हमारे इतिहास में कुछ भी प्रूफ्स उपलब्ध नहीं है। यानी उसका कड़ाई से अमल हुआ ये कहने के लिए भी प्रूफ्स उपलब्ध नहीं है, और अमल नहीं हुआ ये कहने के लिए भी प्रूफ्स उपलब्ध नहीं है। हम इतना ही केवल इतिहास में देखते हैं कि शंकराचार्यों ने कई बार मनुस्मृति के आधार पर निर्णय दिए। भारत में जो शंकराचार्य के चार पीठ है उसके उन्होंने कई बार मनुस्मृति के आधार पर निर्णय दिए। हम इतना ही कह सकते हैं कि कई बार ब्राह्मणों ने निर्णय देते वक्त
जो भी उनके हाथ में न्याय व्यवस्था थी उस समय में निर्णय देते वक्त उन्होंने ज्यादातर समय में मनुस्मृति का उपयोग किया, ऐसा दिख रहा है। तो केवल हमारे पास दो व्यवस्था है, एक ब्राह्मण व्यवस्था है जिसको हम पुरोहितशाही कहते हैं, एक शायद मनुस्मृति है कानून व्यवस्था, लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें तत्व ज्ञान हो, और दूसरी बात हमारे पास कोई धर्म संस्थापक नहीं है। इसलिए हिंदू को हिंदू रिलीजन यानी हिंदू धर्म कह नहीं सकते हैं, इसको हम धर्म के बजाय संस्कृति कह सकते हैं। हिंदू एक कल्चर है, कल्चर में और धर्म में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। धर्म पूरी तरह से एक जकड़न वाली प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव की बहुत कम गुंजाइश होती है। जो 2000 साल पहले 2500 साल पहले धर्म संस्थापक ने कह दिया वो अंतिम शब्द होता है। भारत में धर्म ग्रंथ न होने के कारण वेद ये धर्म ग्रंथ नहीं है, भारत में धर्म ग्रंथ न होने के कारण कोई भी ऐसी कड़ी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। भारत में तत्व ज्ञान का एक कोई हिस्सा नहीं, अलग अलग तत्व ज्ञान है, काफी तत्व ज्ञान है। वेदों के बाद में जो उपनिषद बने, मनुस्मृति उपनिषदों का ही एक हिस्सा है। ये उपनिषद जो बने उसमें कई प्रकार के तत्व ज्ञान कहे गए हैं, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। अब इसमें 6 प्रकार के तत्व ज्ञान है जिसको हम आस्तिक तत्व ज्ञान कहते हैं। आस्तिक तत्व ज्ञान का मतलब होता है जो ईश्वर को मानते हैं, ऐसा नहीं, जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक तत्व ज्ञान। उसमें 5 ऐसे तत्व ज्ञान है जो वेदों को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। 6वां सांख्य तत्व ज्ञान है जो वेदों को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है, केवल प्रकृति को मानता है। वो नहीं मानता कि यहां के इंसान को, प्राणी जगत को ईश्वर ने निर्माण किया, वो तत्व ज्ञान मानता है कि ये प्रकृति से निर्माण हुए, प्रकृति ही उसका कारण है, प्रकृति यानी नेचर उसका कारण है। फिर नास्तिक तत्व ज्ञान इस देश में हिस्सा रहे हैं, और ये 3 तत्व ज्ञान है, एक है लोकायत, दूसरा है चार्वाक और तीसरा है शैव। ये 3 परंपराएं हैं, उसमें शैव और शिव ये भी फर्क किया जाता है, कोई 4 परंपरा कहते हैं, कोई 3 परंपरा कहते हैं, कोई 2 परंपरा कहते हैं, क्योंकि कई लोग लोकायत और फिर चार्वाक एक ही परंपरा को मानते हैं और शैव और शिव ये अलग परंपरा को मानते हैं। अब ये नास्तिक परंपरा है, शैव और शिव परंपरा नास्तिक परंपरा है, वो भगवान को नहीं मानती है, वो शिव और शैव को मानती है लेकिन भगवान नहीं मानती, यानी शिव और शैव ये एक गणनायक है ऐसा वो मानते हैं। ये भी परंपरा इस देश में रही, उसी में से शंकर भगवान बाकी परंपराओं ने उठाए। अब ये भारत में इतने अलग अलग ढंग के तत्व ज्ञान है, अलग अलग परंपराएं हैं, ये सब मिलजुल कर हिंदू संस्कृति बनती है। चार्वाक लोकायत परंपरा ईश्वर को नकारती है और वेदों को भी नकारती है, शैव और शिव परंपरा भी वेदों को नकारती है। अब वेदों को न मानने वाली भी परंपरा है यहां। इस देश में ज्ञान प्राप्ति करने का अधिकार उन दिनों में ब्राह्मणों को था, संस्कृत का ज्ञान केवल ब्राह्मणों में था, केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे, ब्राह्मण उसका अध्ययन कर सकते थे, या फिर राजपुरुष के कुछ क्षत्रिय उसका अध्ययन कर सकते थे अपवाद। तो इसलिए आपको चार्वाक में ब्राह्मण ही मिलेंगे, लोकायत परंपरा में ब्राह्मण मिलेंगे, शैव और शिव परंपरा में भी ब्राह्मण मिल सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम कैसे, किस आधार पर कहें कि हिंदू धर्म यानी क्या होता है? यानी ये कृष्णन साहब ने जो कहा कि जो राम को मानता है वही हिंदू है, तो उन्होंने हिंदुओं की करीबन 60-70% आबादी को नकार दिया। जो शिव को मानते हो, शैव को मानते, काली माता को मानते हैं,
ये सब शैव परंपराएं हैं। उनका क्या, वो हिंदू नहीं है? फिर 80% हिंदू किस आधार पर आप कह रहे हो? भारत में कम से कम तीन चार प्रांत ऐसे हैं जहां पर राम को हीरो नहीं मानते हैं, रावण को हीरो मानते हैं। तो ये राम को नहीं मानते तो वो उनको निकाल दोगे आप, दक्षिण के सारे प्रांत बाहर कर दोगे, वो हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू होना ये इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। जिनको ज्ञान नहीं होता है वो कुछ भी डेफिनेशन कर लेते हैं। अब जो कल्कि महाराज का अवतार अपने आप को कहते हैं, उन्होंने इस ढंग की डेफिनेशन करना कि जो राम को मानते हैं वो हिंदू है, बाकी मंदिरों में जाना है ना हिंदू नहीं होता है, ये सहूलियत भरी डेफिनेशन वो कर सकते हैं क्योंकि वो भूलते नहीं है कि वो कल्कि का अवतार। और जो अपने आप को अवतार मानते हैं वो क्या हो सकते हैं, मैं अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, क्योंकि हिंदू होने के लिए कोई शर्त की आवश्यकता नहीं होती है। आप भारत में पैदा हुए हो, हिंदू मां बाप के पेट से पैदा हुए हो, यानी आप हिंदू। आपको क्रिश्चियन होने के लिए बपतिस्मा करना होता है, अगर आप पुरुष है और मुस्लिम है तो आपको सुन्दा करनी होती है, अगर आप हिंदू हो तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसको मान सकते हो, किसी को नहीं मान सकते हो, कोई राम को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई काली माता को मानता है, कोई और किसी को मानता है। यहाँ 33 करोड़ भगवान है, जो चाहे उसको मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है। कोई भगवान को मानता है वो भी हिंदू है, जो भगवान को नहीं मानता है वो भी हिंदू है। चार्वाक तो हिंदू ही थे ना, हिंदू कल्चर का हिस्सा ही थे ना, कोई अलग तो थे नहीं, वो तत्वज्ञान परंपरा का हिस्सा रहे इस देश के। इसलिए आप हिंदू की कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते हो। और इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र क्या प्रकरण है, ये बड़ा बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हो, यानी क्या लाना चाहते हो, ब्राह्मणी वर्चस्व लाना चाहते हो, ये सवाल खड़ा होता है, मनुस्मृति लाना चाहते हो, ये सवाल खड़ा होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। सही माने में हर व्यक्ति जिसने इस भारत में जन्म लिया है और जिसके माँ बाप हिंदू है या फिर वो किसी और धर्म के नहीं है, वो सभी हिंदू है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आसान व्याख्या होगी, और यही व्याख्या आज के जन सर्वेक्षण में हमारे बारे में अमल में लाई जाती है। जब आपको पूछा जाता है जाति जनगणना में कि आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तब आपको ये नहीं पूछा जाता आप आपको मानते हो नहीं मानते हो, ये नहीं पूछा जाता, केवल पूछा जाता आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या फिर हिंदू हो, इस ढंग से पूछा जाता है और अपने आप को हिंदू करके टिक मार किया जाता है। तो यही हमारी व्याख्या रहनी चाहिए, मुझे लगता है वही सबसे आसान और बढ़िया तरीका होगा, व्यापक तरीका होगा, और यही भारतीय कल्चर की, भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, उसको हमने स्वीकारनी चाहिए।